उत्तर प्रदेश में नहीं थम रहा हापुड़ में वकीलों पर लाठी चार्ज का मामला। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के आवाहन पर वकीलों के साथ हो रहे उत्पीड़नात्मक कार्रवाई को लेकर वकीलों में आक्रोश है। वहीं अब गाजीपुर जनपद में प्रदेश काउंसिल बार एसोसिएशन के आवाहन पर वकीलों ने हड़ताल किया। साथ ही वकीलों ने कहा कि हापुड़ जिले में महिला वकील के साथ अभद्रता को लेकर वकील आक्रोशित हैं। इसे लेकर वकीलों ने सरकार से कार्रवाई की मांग की है, जिसे लेकर हम सभी वकील 3 दिन की हड़ताल पर हैं। वहीं आगे वकीलों ने कहा कि सरकार और पुलिस द्वारा बार बार वकीलों के ऊपर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जाती है, जिसकी हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरिफ बागची, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर में कचहरी स्थित। कुछ वकील 3 दिनों की हड़ताल पर, हापुड़ की घटना को लेकर 3 दिन की हड़ताल पर है। आइए क्या है पकड़, पूरा हम जानते हैं। जी वकील साहब, आप लोगों की हड़ताल के लिए क्या कहेंगे? हमारी मांगे स्पष्ट हैं, सरकार से अधिवक्ताओं की सुरक्षा, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना और जो भी गलत FIR अधिवक्ताओं पर हापुड़ में दर्ज हुए हैं उसको क्लोज करना, और जिन्होंने अत्याचार किया है अधिवक्ताओं के ऊपर, यहां तक कि एक गंभीर मुद्दा महिला अधिवक्ता के ऊपर लाठी से मारना पुलिस के द्वारा घोर निंदनीय है, और कोई भी व्यक्ति सभ्य समाज का इसको स्वीकार नहीं करेगा कि एक महिला अधिवक्ता को, महिलाओं के हित के संरक्षण की बातें सरकारें बहुत किया करती हैं और महिला अधिवक्ता सरेआम पीटी गई टीवी पर, चैनलों पर, आपके माध्यम से ये बातें आई, लेकिन इन बातों को कहीं भी सरकार ने निंदा इसकी नहीं की कि महिला को लाठी से पीटना किसी भी स्तर पर औचित्य उसका सही नहीं है और सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है। इसलिए हम बिल्कुल अपने दिल और संकल्प के साथ इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं आगे, और जब तक हमारा निष्कर्ष नहीं निकल जाता है तब तक हम अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। हमारी बार काउंसिल, जो हमारी सबसे बड़ी संस्था है, उसने स्पष्ट और क्लियर निर्देश हमको दिया है, उसका निर्देश जब तक मुझे मिलता रहेगा हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हापुड़ में जो महिला अधिवक्ता पर लाठीचार्ज द्वारा किया गया, जिसको लेकर 3 दिन की स्ट्राइक पर है, क्या कहेंगे आप? अब 3 दिन के स्ट्राइक पर हम लोग हैं, प्रदेश सरकार अभी तक संज्ञान नहीं ली है, जबकि उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान कल का लिया गया है और इसमें कुछ गाइडलाइन दिया गया है जिससे जो है आधा मांगे जो है पूरी हो चुकी है, लेकिन हापुड़ के जो है DM और SP का ट्रांसफर की मांग है और मुख्यमंत्री से वार्ता जो है बार काउंसिल लोगों की है वो अभी तक नहीं हुआ है। हमको उम्मीद है कि आज जो है वार्ता हो जानी चाहिए और मांगे मान लोग लेंगे, क्योंकि अब प्रकरण जो है बहुत ही गंभीर प्रकृति का है और इससे सरकार को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जी ऐसे में क्या मांगे हैं वकीलों को लेकर, सुरक्षा प्रशिक्षण को, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है उत्तर प्रदेश में लागू हो प्रथम ये है, और दूसरे हापुड़ की जो तत्कालिक घटना है उसके बाबत यह है कि वहाँ जो है वह जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और उसमें जो है हाई कोर्ट के जो है सेवानिवृत्त जज द्वारा हो और बार काउंसिल के हमारे एक सदस्य हो और जो है दोषी जो पुलिस कर्मी है उनके भी कार्रवाई हो। जी आप क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? हापुड़ की जो घटना हुई है बिल्कुल निंदनीय है, इससे पूरे प्रदेश के अधिवक्ता मर्माहत है और सभी लोगों का ये है कि कम से कम अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो और अत्याचार जो भी अधिवक्ताओं पर हो रहा है वो बंद हो। आप क्या कहेंगे इस सब लेकर? हापुड़ की घटना काफी निंदनीय है जैसा कि बताया गया, और जो है जो बार काउंसिल ने निर्णय लिया है उस पर हम लोग अडिग हैं और उस निर्णय के अनुसार ही पूरे प्रदेश के अधिवक्ता जो है कि उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। आज पुतला फूंका गया और जो है कल भी हम हड़ताल पर रहेंगे अधिवक्ताओं के साथ, जब तक न्याय नहीं होगा तब तक रहेंगे। इसके बाद जो है कि बार काउंसिल के निर्देश, हमारी मदर संस्था है, जैसा भी कहेगी उसका अनुपालन। क्या मांगे हैं आप लोगों की? अरे भाई, हम लोगों की मांगे हैं कि अधिवक्ताओं के साथ जो हुआ है वो जो प्रकरण में लोग रहे हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए और जो है इस अधिवक्ताओं के पक्ष के खिलाफ जो वो FIR दर्ज है उसको स्पंज किया जाए, अधिवक्ता प्रोटेक्शन लागू हो और जो दोषी व्यक्ति है उस पर कार्रवाई की जाए।
ये थे गाजीपुर के सिविल गार्ड के एडवोकेट, लोगों ने बताया कि आपूर्ति की जो घटना हुई निंदनीय है और वकीलों को पोजिशन एक्ट की तरह एक पोजिशन मिले। गाजीपुर से आप देख रहे थे पंजाब केसरी टीवी के लिए आरिफ वारसी की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।